तो ना तो मेरे माँ बाप का घर ना आपके माँ बाप का घर, यहाँ पे चारों धाम के माँ बाप का घर। ड्रोन में यार एरर आ रही है, पता नहीं क्या इशू हो गया, उड़ी नहीं रहा है। कितने हिरण है यार, बहुत है बहुत यार। यहाँ का ऐसा आनंद पहली बार देखा है कोई मंदिर में मैंने, इस तरीके की चीजें। थोड़ी ये द्वारकाधीश मंदिर आप देख पा रहे होंगे, दिस इज ब्यूटीफुल प्रेम मंदिर। लुक एट दिस, ये कृष्ण जन्मभूमि का मेन गेट है। आप गुड 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 मॉर्निंग, एंड आज की सुबह फिर से आगरा में हुई, क्योंकि कल मैं बहुत ज्यादा थक गया था और थकने के बाद मैंने डिसीजन लिया कि भाई आगरा में ही स्टे कर लेते हैं, तो अपना स्टे वहीं सेम प्रॉपर्टी में था। एंड ये देखो सारी पैकिंग हो गई है, पैकिंग होने के बाद अभी अपने जाके सारा का सारा सामान गाड़ी में डालते हैं और निकलते हैं आज भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन को एक्सप्लोर करने के लिए। बाय बोलने का टाइम आ गया है और निकलते हैं आगरा से। तो आज मथुरा का सोच के निकल रहे हैं यहाँ से, और टाइम अभी दोपहर के 12 ही बज गए हैं ऑलमोस्ट। तो जी हम निकल चुके हैं ब्यूटीफुल आगरा से ब्यूटीफुल मथुरा की तरफ, और मथुरा के लिए दो ऑप्शन है, एक तो सिटी होके जाता है, उस रास्ते में ओनली 62 किलोमीटर है, एंड ये हाईवे होके जाता है जो 85 किलोमीटर है। तो मैं हाईवे वाला रास्ता ले रहा हूँ, थोड़ा दूर है बट टाइम कम लग रहा है यार। तो अभी हल्का सा ब्रेकफास्ट करते हैं, बर्गर बर्गर खाते हैं और उसके बाद निकलेंगे। ये जो आगे बड़ा जो हाईवे है इस पे तो पंप नहीं आएगा, तो यहाँ से अपने टैंक फुल कराएंगे और इसके बाद अगला स्टॉप अपना मथुरा का। ये कितना मक्खन रोड है, लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे जिसपे मैं अभी चढ़ा हूँ, और इसी रोड पे आगे चल के आएगा मथुरा। हमने क्रूज सेट कर दी और अभी भगाते हैं आराम से। तो रस्ते में से सब्सक्राइबर भी मिल जाते हैं, बढ़िया लगता है। देखो कुछ सब्सक्राइबर होते हैं, कुछ बातें बन जाते हैं। ड्रोन में यार एरर आ रही है, पता नहीं क्या इशू हो गया, उड़ी नहीं रहा है, तो ये दिखाना पड़ेगा। तो गाड़ी में भी एक दो चेंजेस करवाने थे और लगता है ड्रोन भी दिखाना पड़ेगा। इसमें कोई ESC करके एरर आ रहा है, तो जो भी है अभी वो दिखाने पे ही पता चलेगा। अपने तो इतना एक्सपर्ट है नहीं, मैंने नेट पे चेक किया तो इसके मोटर में कुछ इशू हो सकता है। तो अपना इस एक्सप्रेस वे का सफर इतना ही था, और यहाँ से ये जो लेफ्ट में टर्न जा रहा है तो ये लेना पड़ेगा अगर आपको मथुरा जाना है तो, और अगर डायरेक्ट दिल्ली जाना है तो ये वाला रूट आप कंटिन्यू कर सकते हैं। छोटा सा ब्रेक लिया है ये ढाबे पे, यहाँ से खा रहे हैं परोठा। बर्गर खाया था उससे कुछ भी नहीं बना, भूख ज्यादा लगती है मेरे को ट्रिप में। और यहाँ से मथुरा ऑलमोस्ट आ गया, 3-4 किलोमीटर बचा है मथुरा। अभी दोपहर के 2 बज गए और ये अपना फूड अपने ले रहे हैं यहाँ से, और यहाँ से करीब 2 किलोमीटर बाद आ जाएगा गोकुल। वो सामने बोर्ड भी आ गया, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत इलाका है यार। मैं इधर फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, गोकुल बैराज, मतलब शायद कोई रिवर भी हो सकती है इधर, जो भी रहेगा आपको दिखाएंगे, क्योंकि मेरे लिए भी ये चीजें फर्स्ट टाइम है एंड मुझे यहाँ का ज्यादा नॉलेज नहीं है। आगे चल के देखते हैं, आई थिंक 2 किलोमीटर बचा है अभी। तो एक लोकल से रास्ता पूछने के लिए आया था एंड ही सेड कि आप आगे आ गए हो। थोड़ा सा आगे आ गया हूँ, थोड़ा 1-1.5 किलोमीटर पीछे की तरफ जाना है, और वहाँ है नंद बाबा का घर जो हम सबसे पहले एक्सप्लोर करेंगे। ये कहते हैं आप बिल्कुल सही जगह आए हो, क्योंकि सबसे पहले आप जड़ देखो जो नंद बाबा का घर है, उसके बाद में आप पात देखो। मिले हैं ये अपने साथ जाएंगे, ये अपने को बता रहे हैं यहाँ की स्टोरी। ये गांव है नंदगांव, ठीक है, ये गांव मथुरा जेल में लाए कृष्ण भगवान को इस रूप से। अच्छा ठीक है, यमुना नदी को पार करके, ठीक है, यहाँ छुपा गए, ठीक है। बुढ़ापे में पुत्र वरा ही हुआ नंद यशोदा को, तो नंद बाबा यशोदा माता ने 9 लाख गाय दान में दिया। अच्छा, तो इसलिए इस गांव का नाम पड़ा गौकुल। अच्छा, गौकुल गायों का कुल, तो पहला घर भगवान का गोकुल, ठीक है। एक पेड़ गोकुल लगा, ठीक है, और डाल गई जगन्नाथ, ठीक है। फूल तो फूला द्वारिका, और फल लगा बद्री नाथ, तो ना तो मेरे माँ बाप का घर ना आपके माँ बाप का घर, यहाँ पे चारों धाम के माँ बाप का घर, ठीक। नंद यशोदा का घर, जो अपने घर में प्रोग्राम बनाते हैं, हाथी घोड़ा पालकी और जय कन्हैया लाल की, वो क्या बात है, मनाया जाता है वो लड्डू गोपाल की, लड्डू गोपाल की जय। और ऐसा क्यों बोला जाता है कि यशोदा माता को जब पुत्र बधाई हुई तो जवानों को तो दिया हाथी घोड़ा और बूढ़न को दी पालकी। अच्छा, और जय कन्हैया लाल की। और नंद बाबा के यहाँ कन्या नहीं थी, तो सबसे बड़ा दान बोला जाता है महादान, कन्यादान जिसको और कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। इसलिए पुत्र बधाई में नंद बाबा ने 9 लाख गाय का दान दिया। अच्छा, 9 लाख। तो ये वो स्थान है जहाँ भगवान 11 साल 1 महीना और 22 दिन 11 वर्ष धाम मंदिर इन गोकुल की गलियों में खेले थे। अच्छा, तो बरसाने से गोपियां आती थी यहाँ व्यापार करने, तो भगवान उनको लूटते थे। अच्छा, यहाँ व्यापार करना है, मेरे गाँव में होते हुए आगे जाना है, तो पहला थोड़ा मुझको देके जा,
ठीक है, आज के समय आप बोल सकते हो उसको टोल टैक्स, टोल टैक्स। किसी दूसरे स्टेट में जाते जी 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 तो भगवान बोलते थे कि बरसाने की गोपियाँ और गोकुल के घनश्याम और गलियों में झगड़ा हुआ और मांगे दूध दही को दान। बरसाने की गोपी और गोकुल के भगवान, ठीक है। तो इसलिए भगवान को क्या नाम पड़ा गया, घनश्याम। घनश्याम भगवान बोलते थे खाड़ी रही गुजरी, ठीक है, और दे जा मेरा दान तनिक दही के कारण मैंने छोड़ा बैकुंठ धाम। मैं बैकुंठ को छोड़ के ब्रज में आया हूँ और मैं अपनी गायों का माखन उससे मांग रहा हूँ और वो भी मुझको नहीं देगी तो मैं तुझको जाने नहीं दूंगा। तो जिस गोपी ने प्रेम से माखन दिया उसका मटकी छोड़ दिया, ठीक है, और जिसने देने में मना किया उसका मटकी तोड़ दिया। तो गली गली में शोर और काना माखन चोरी है, कर्णवेद गली है। अच्छा, कर्णवेद यहाँ भगवान का कान छेदन हुआ था। अच्छा, यहाँ ये सब गवर्नमेंट के द्वारा ट्रस्ट है। अच्छा, गवर्नमेंट द्वारा ही मान्यता मिली हुई है। यहाँ भी कुआ बना हुआ है इस गली में, यहाँ की माता बहनों को बच्चों का कान छिदवाना होगा तो वो उसी गली में आके छिदवाती है। अच्छा, कान छिदवाने के लिए छेदन हुआ था, ठीक है। ये सब स्टोरी यहाँ से रिलेट करता है, ठीक है जी, ठीक है। किसके लिए आए थे भगवान, गऊ और साधुओं के लिए, साधुओं के लिए जिसके लिए अवतार लिया, ठीक है, ताकि भगवान को मालूम था आने वाला समय कलयुग, कलयुग या कलयुग में सिर्फ प्रेम से काम नहीं चलेगा। हाँ, तो उसके लिए भगवान ने चार धाम का स्थापना किया, ठीक है। गोकुल जाके बाद गए थे गुजरात में द्वारिका, द्वारिका जावने राजा, ठीक है, द्वारिका देश। तीसरा उड़ीसा, पुरी जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा के हाथों से चावल खाया था भात। अच्छा, तो कभी जगन्नाथ धाम जाते हैं वहाँ कंपलसरी सबको दान करना पड़ता है, ठीक है, ठीक। वहाँ गए और दान नहीं किया तो वहाँ जाने का कोई फल, कोई फल नहीं है। वहाँ दान होता है चावल का, किसका होता है, चावल, चावल का। और वहाँ दान करने के बाद भिखारी बनना पड़ता है। अच्छा, ठीक है। कहती है जगन्नाथ का भात तो जगत पसारे हाथ, हाथ। बोलो जगन्नाथ धाम की जय। और चौथा उत्तराखंड में आता है बद्रीनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम जहाँ नर नारायण दर्शन है, जहाँ भगवान ने तपस्या किया, ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये भगवान के चार धाम थे, चार धाम स्थापना किया अपने माता पिता के लिए, चार धाम ब्रज में ही बुलाए। और ब्रज में चार धाम किधर आती है, राजस्थान में धाम आता है कामा, उसको बोलते काम वन। अच्छा, तो हमारे ब्रज में चार धाम बने हुए हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदार और बद्री, बद्री। अच्छा, और ठीक अपने है। माता पिता को चार धाम अपने घर में ही कराया था। अच्छा, गोकुल जगन्नाथ द्वारिका, ठीक। तो यहाँ कोई यात्री चार धाम नहीं जा पाता है, पैसा नहीं, शरीर में ताकत नहीं, तो यहाँ दर्शन करने मात्र से चार धाम यात्रा का फल मिलता है। अच्छा, बोलो चारों धाम की जय, जय कृष्ण भगवान की जय, जय राधे राधे, बोलो राधे राधे। ये जो जगह है ना, इस यहाँ से बाबा की पालकी निकलती है और नंद उत्सव यही होता है। एक तो होता है कब, जन्माष्टमी के नेक्स्ट डे, जन्माष्टमी के नेक्स्ट डे, उसको बोलते हैं नवमी, नवमी अष्टमी का नवमी होता है जी, नंद उत्सव, नंद उत्सव। दूसरा निकलता है फागुन के महीने में होली, होली जैसे मथुरा वृंदावन मंदिर की मंदिर में होता है जी, यहाँ से पालकी निकलती है और यहाँ की होली को बोलते हैं छड़ी मार होली। क्या छड़ी मार, छड़ी मार होली। ये चोर गली है। अच्छा, नीचे यमुना जी है, ठीक है, ठीक है। यमुना नदी को पार करके वसुदेव जी लाए थे तो यहाँ छुपाया था। अच्छा, यहाँ छुपाया था और यहाँ से लड़की युवक माया को ले गए थे। आज भी पीछे यमुना नदी बह रही है, ठीक है, और ऊपर नंद बाबा का घर है, ठीक है। तो ये भगवान का पहला घर है गोकुल। बाकी मंदिर तो भारत में इतना बना हुआ है कि हम लोग जा नहीं सकते, पर इतना मंदिर है किसी में पैसा नहीं, शरीर में ताकत नहीं, कोई कर नहीं सकता। तो ये भगवान का पहला घर है जहाँ भगवान का पालन पोषण हुआ। इसको गवर्नमेंट के अंडर में ही है, मान्यता मिली हुई है, ठीक है। कोई पंडा पुजारी या प्राइवेट संस्था नहीं है, ठीक है। नंद बाबा की जय। तो यमुना नदी आप देख सकते हो, यहाँ पे बोटिंग के भी ऑप्शन है, आप बोटिंग भी कर सकते हो। और ये ऊपर चल के नंद बाबा का मंदिर है। हमारे यहाँ घर बोलती है, घर भारत में वो चार ही है, चार ही है। जो आपको चार धाम बताए थे ये घर है, घर है। बाकी मंदिर तो आपके हमारे घर में बना हुआ है जी जी। भगवान अपने मन में भी है, यहाँ भी असली और आपके घर में भी असली, असली भगवान, नकली असली नहीं होता। बाकी भावना की बात है, यहाँ पे जो लोग आते हैं दर्शन के लिए नहीं आते हैं, लोग आते हैं भूमि के लिए जी जी जी, भूमि के लिए। पेड़ों पे भगवान कभी बैठ के बंसी बजाकर सभी गायों का पालन पोषण किया था। अच्छा, भगवान का नाम पड़ा गोपाला। ये आगे किला है जो पुराने टाइम का ना, इतना ऊपर बना हुआ है यमुना के, उतना यमुना नदी के नीचे नीचे भी बना हुआ है। इसका नींव मजबूत है इसीलिए टिका हुआ है, टिका हुआ है। बाकी सावन में जब पानी आता है तो डेढ़ डेढ़ मंजिल ऊपर तक आ जाता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जा तो नहीं सकते होंगे, इसके अंदर प्रवेश ताला लगा दिया। अच्छा, ऊपर उसका गेट का ताला लगा हुआ है। अपने घर में जो मनाते हैं भाई भाई दूज, भाई दूज दिवाली के अगले दिन आता है गोवर्धन, गोवर्धन पूजा के अगले दिन आता है भाई में स्नान। तो उस दिन भाई और बहन गंगा नदी में स्नान करते हैं तो
अभी उनका अकाल मृत्यु नहीं होता नहीं होता। ये यमराज की बहन है और सूर्य नारायण की पुत्री है। यमुना इनका नाम क्या है? यमुना। यमुना यमुना का जो आचमन करता है या इसमें जो स्नान करता है उनका कोई अकाल मृत्यु नहीं होता है। ठीक है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में यम लेने नहीं आता है, इसलिए बोलते हैं यमुना। यमुना माता ने सबसे पहले चरण छुआ था। ठीक है। सामने वसुदेव घाट है। अच्छा। तो यमुना नदी को क्रॉस किया तब बीच में यमुना माता ने चरण छुआ तब उनको आने का रास्ता दिया था। तो यमुना नदी में थोड़ा सा जाके आए, थोड़ा पवित्र जल थोड़ा पिया, अच्छा लगा। अभी चलते हैं ऊपर मंदिर की तरफ, यहाँ पे जो नंद बाबा घर है वहाँ चलते हैं। अच्छा ऐसे। ठीक है। यहाँ छुपा ये इस रूप में लेके आए थे ऐसे। ठीक है। यशोदा माता की लड़की हुई थी योग माया। ठीक है। कृष्ण भगवान को छुपा गई और लड़की योग माया को लेके मथुरा। हमने मक्खन की चोरी की थी। यशोदा माता ने उखल से बांध दिया था। अच्छा। यमला और अर्जुन तो वृक्ष थे। ये प्राचीन उखल है। अच्छा प्राचीन है ये। 5000 साल पुराना नहीं है। ये गोकुल का सबसे प्राचीन उखल यही है। इस मंदिर का स्थापना हुआ 1000 साल पहले तब का ये उखल है। ठीक है। बलराम जी ने हाथ खड़े कर दिए कि मैंने चोरी नहीं करी। ऐसा कौन? कृष्ण। कृष्ण जी। जय जय। मामा कंस ने सबसे पहले अपनी बहन को भेजा था ये सुंदरी का रूप बना के आई आंचलों में लगा दो। भगवान ने प्राण खींचा तो बाद में ऐसे रूप निकल आई थी मारने पर दूध पी के इसका उद्धार कर दिया। ठीक है। तो ये भगवान की तीसरी माता बनी थी, पहली देव की, दूसरी यशोदा। अच्छा। तीसरी पूतना। तीसरी पूतना। अच्छा तीसरी माता बनी थी। ठीक है। शंकर भगवान भगवान को नहीं मिला था। अच्छा। शंकर भगवान ने 3 दिन और 3 रात तपस्या किया। अच्छा। माता बोली लला छोटा डर जाएगा, मैं आपको दर्शन नहीं दूंगी। 3 दिन 3 रात तपस्या किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माता यशोदा ने दूर से दर्शन किया। अच्छा जय। शंकर भगवान अंतर ध्यान हो गए थे और कृष्ण जी भी अंतर ध्यान हो गए। अच्छा ठीक है। ठीक है। हरि बोलते हैं, हरि हरि बोलते हैं। इनको बोलते हैं हर। क्या बोलते हैं? हर। दोनों का मिलन हुआ तो गोकुल में नाम पड़ा हरिहर। क्या पड़ा? हरिहर। अभी नंद बाबा के घर जाके मैं आ चुका हूँ और इधर नीचे यमुना नदी है। यहाँ के बारे में सारी डिटेल आपको मैंने, ये जो गाइड कह सकते हो, ब्राह्मण कह सकते हो आप, तो यहाँ के लोकल्स रहते हैं, वो आपको सारी जानकारी दे देते हैं, अपनी श्रद्धा के अनुसार आप दान कर सकते हैं। एवरीबॉडी मैं अभी निकला हूँ रमन रेती के लिए, रमन रेती, एंड आपको दिखाते हैं। कहते हैं कि वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जी अपने बचपन में गाय वगैरह चराया करते थे और यहाँ की मिट्टी से रमन रेती की मिट्टी बहुत अलग है। हिरण पार्क है ये, इसमें बहुत सारे हिरण है। ये देखो कितने हिरण है यार, बहुत है, बहुत ही प्यारे प्यारे लग रहे हैं ये देखो। एंड उधर आगे भी इसके अंदर मोर भी है, कबूतर भी है, एंड ये देखो कितने हिरण है। वो वहाँ पे शायद शतुरमुर्ग होना चाहिए। और यहाँ शायद बाबा का मंदिर भी है, देख सकते हो आप। ये है भगवान का मंदिर, आप देख पा रहे होंगे। वो रेत है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जी गाय चराया करते थे, तो इस मिट्टी, ऐसी मिट्टी कहीं नहीं पाई जाती है कहते हैं। तो देखो किस तरीके से इस मिट्टी में खेल रहे हैं, क्या बात है यार। यहाँ का ऐसा आनंद पहली बार देखा है कोई मंदिर में मैंने, इस तरीके की चीजें। ये देखो उधर अलग खेल चल रहे हैं इस मिट्टी में, एंड इधर भी लोग परिवार के साथ आते हैं और यहाँ समय बिता के जाते हैं इस जगह पे। इस जगह का नाम है रमण रेती। कहीं आगे चल के शायद कोई आश्रम है, एंड इधर देखो इस तरीके की हट्स बनी हुई है और अंदर शायद लंगर सेवा होती है क्योंकि उधर बर्तन बहुत पड़े हैं। एंड ये देखो कितना पवित्र स्थान है। मैं कंप्लीट करके आ चुका हूँ और ये रमन रेती भी जाके आ चुके हैं। बहुत शानदार जगह थी, बहुत ही अच्छा लगा। अभी इसके बाद मंदिर देखते हैं। प्रेम मंदिर तो लेट खुलेगा, इस्कॉन टेम्पल भी शायद लेट ही खुलेगा,
तो उधर ही चलते हैं, उधर ही कोई और जगह फाइंड आउट करते हैं और उधर ही एक्सप्लोर करने के लिए चलते हैं। ये है गोकुल बैराज, नीचे से यमुना नदी निकलती है यहाँ से। द्वारकाधीश मंदिर में जाने से पहले ऐसा ट्रैफिक जैम मिला अपने को, मेरा मानना है कि पर्सनल गाड़ी इधर ना लेके आओ, ऑटो रिक्शा से आ जाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा भाई। आप इस तरीके का ऑटो ले सकते हैं, इनसे भी जा सकते हैं, पर यार ये सवारी का बड़ा रहता है, एक सवारी से नहीं जाएंगे, दो सवारी से नहीं जाएंगे, हम तो पैदल ही भाग के निकल लेंगे, तब तक पहुंच जाएंगे। यहाँ सबसे पहले द्वारकाधीश मंदिर चलते हैं क्योंकि वो 7 बजे बंद हो जाएगा, शायद टाइम लगेगा, वहाँ पे भीड़ भी होगी। वैसे सोचा तो है कि प्रेम मंदिर भी जाएं, इस्कॉन टेम्पल भी जाएं, लेकिन मुझे नहीं लगता आज मैं कर पाऊंगा, मैं तो जन्मस्थल भी जाना है, कई सारी जगह है। इस पूरी रोड पे आप देख पा रहे होंगे चांदी का काम है, सिल्वर का, मतलब मशीनें चल रही है जगह जगह पे, एंड ऐसे प्राचीन घर देखने को मिलेंगे। देखो बड़ी है द्वारकाधीश मंदिर, आप देख पा रहे होंगे, एंड अभी इसके अंदर हम एंट्री लेने वाले हैं, आगे तो पता नहीं शूट करने देंगे कि नहीं, साउंड बाहर की बहुत आ रही होगी, एंड अभी आप इन्हें मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। द्वारकाधीश द्वार, यहाँ आराम से मत्था टेक के आ चुके हैं, भीड़ तो काफी थी, देख पा रहे होंगे इस तरीके और रिक्शा किया है यार, क्योंकि ऑप्शन और है ही नहीं, इधर व्हीकल दूसरे चलते नहीं है। यार वैसे रिक्शा पे चढ़ना तो नहीं चाहिए, लेकिन देखो मैं अकेला चढ़ा हूँ, 3 आदमी चढ़ते तो बड़ा इनको प्रॉब्लम होती, अकेला 3 जितनों का पे कर रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है चढ़ने में, लेकिन ये भी बेरोजगार है बेचारे, मजदूर है, अपने पेट के लिए कर रहे हैं। लुक एट दिस, ये कृष्ण जन्मभूमि का मेन गेट है, आप देख सकते हो, इसके अंदर कैमरा ले जाना मना है, तो फोन वगैरह सब जमा होगा, तो हम यहाँ से चलते हैं अभी अंदर की तरफ। तो अभी टाइम हो गया लगभग 7 बजने वाले हैं, 8 बजे के बाद में प्रेम मंदिर वगैरह में एंट्री नहीं होगी, एंड उसका मजा रात में ही आएगा, दिन में नहीं आएगा। देन आई हैव टू गो नाउ, गाड़ियों को टर्न दिलवा रहे हैं, आगे नहीं जाने दे रहे हैं, तो देखते हैं शायद टर्न मारना पड़ेगा हमें भी। लुक एट दिस, ये है प्रेम मंदिर। शेषनाग बनाया हुआ है इधर, आप देख पा रहे होंगे, दिस इज ब्यूटीफुल प्रेम मंदिर, ये है भगवान श्री कृष्ण का मंदिर जो कि वृंदावन में मौजूद है, प्रेम मंदिर, एंड इस तरफ शेषनाग का दृश्य दिखाया गया है। अभी टाइम ऑलमोस्ट 7:50 हो गए और 8 बजे ये मंदिर बंद हो जाता है, मैं ऑलमोस्ट 10 मिनट पहले पहुंचा हूँ यहाँ पे। गाइस अभी हम पहुंच गए प्रेम मंदिर में, एंड काफी भीड़ है इधर, जोश पट बंद हुए हैं, एंड मेरे ना मौके पे पूरे पूरे दर्शन हुए यार, आई एम वेरी लकी। महाभारत का दृश्य दिखा रखा है जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे, तो वो चीज दिखा रखी है, एंड यहाँ पे एक कैंटीन भी बनी हुई है, एंड इस तरफ है प्रेम मंदिर। ये जगह कुछ ऐसी है कि यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता है, और बिल्कुल भी मन नहीं करता, मैं पहली बार आया हूँ और इतना मन लग गया ना इस जगह पे, सीरियसली ऐसा मन करता है कि यहीं बैठे रहे, लेकिन मैं गाड़ी नो पार्किंग में लगा के आया हूँ तो उसको संभालना बहुत जरूरी है, लेकिन दूसरा मन ये करता है कि यार जो होगा देखा जाएगा, यहीं बैठे रहते हैं, बहुत ही आनंद आता है, ये बहुत रिलैक्स है, बहुत रिलैक्स है। तो यहाँ से एक दूध लिया है, इससे पहले गाजर पाक खाया था, अभी हमें चौपाटी में खाना पीने करने के बाद में अभी मैं वापस जा रहा हूँ रूम पे, होपफुली अब कोई वीडियो अच्छा लगेगा, रूम भी ले लिया मैंने, एक जगह है मॉर्निंग में दिखाऊंगा, होपफुली अब कोई वीडियो अच्छा लगे, लाइक कमेंट, लाइक, बाय बाय।